सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल नहीं पाइवट चार्ट लेना है। क्या लेना है? पाइवट चार्ट। देखो पाइवट चार्ट का क्या फायदा है कि कोई भी आप पाइवट टेबल जो बनता है ना उसके साथ साथ इसका चार्ट बनता रहता है। अब जैसे हमने बोला कि चलो फिलहाल के लिए मैंने बोला कि सिटी वाइज तुम कॉस्ट और सेल्स ले लो, इतना काम तो हम पाइवट में करते ही थे, लेकिन फायदा हमें क्या मिला यहाँ पे, इसका चार्ट भी हमें मिल गया साथ के साथ। इतने में कोई डाउट है वंशिका? वंशिका इतने में कोई डाउट है? पाइवट टेबल अगर आपने थोड़ी सी भी 20% भी रिवीजन किया होगा तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, पाइवट टेबल डैशबोर्ड करवा दिया। इसके बाद इसकी अगर कोई डिजाइनिंग वगैरह में चेंज करना है तो यहाँ से आप डिजाइन वगैरह कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब क्या होता है कि पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट में फर्क क्या होता है कि जब आप पाइवट टेबल बनाते हो, देखिए मैं इसका ना डायरेक्ट पाइवट टेबल बना रहा हूँ, ध्यान देंगे, जब पाइवट टेबल बनाते हैं ना हम लोग सेम काम कर रहे हैं, हम लोग देखिए सेम काम कर रहे हैं, हम लोग जब पाइवट टेबल बनाते हैं तो दो रो छोड़ के पाइवट टेबल बनता है ऑटोमेटिकली, हमने नहीं बोला, अपने आप दो रो छोड़ के बन रहा है। और पाइवट चार्ट में देखिए क्या हुआ था, कोई रो छोड़ा इसने नहीं, यही डिफरेंस है सबसे फर्स्ट डिफरेंस। आपको क्या करना है ऐसे केस में, एक रो आपको अलग से इंसर्ट कर लेना चाहिए और आप अपना एरिया बना लो कि हमें पाइवट डैशबोर्ड जो बनाना है उसमें से विथ हमारी क्या होगी, हाइट क्या होगी, और ये हमारे लिए हेडिंग का जगह होगा और मैं चाहता हूँ कि इतने दूर में मैं पूरा पाइवट टेबल बनाऊँ। हमने अपना आउटलाइन डिसाइड कर लिया कि मेरे को इतने में पाइवट टेबल चाहिए, इतने में ही हम पूरी रिपोर्ट्स बनाएंगे, पूरा डैशबोर्ड बनाएंगे, क्योंकि हम डैशबोर्ड सेलेक्ट कर लिया था, एक होता है ऑल बॉर्डर और एक होता है थिक बॉर्डर, तो हमेशा आउटर बॉर्डर के लिए हम थिक बॉर्डर का यूज करते हैं। कोई डाउट? उसके बाद आती है बारी, जब हमने पाइवट टेबल पढ़ाया था तो आपको यूज ऑफ स्लाइसर बताया था, यानी जब पाइवट टेबल में होते हैं तो यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज होता है और एनालाइज के अंदर स्लाइसर होता है। स्लाइसर क्या होता है कि जितनी हमारी डेटा के अंदर हेडिंग थी वो सब दिखता है, आप चाहो तो सारे के सारे स्लाइसर्स यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे सिटी ले रखी है, सिटी ले रखी है तो सिटी को छोड़ के मैं ले लेता हूँ, आइटम ले लेता हूँ, सेल्स पर्सन का नाम ले लेता हूँ, डेट भी छोड़ देता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक वीक नम, ये तीन चीज़ें हमने ली, कुछ स्लाइसर ऐसा आए, ठीक है। इस स्लाइसर को बहुत तसल्ली से यहाँ पे सेट करना है, याद रहे हमारे पास इतना ही जगह है तो इसकी विथ को थोड़ा कम कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे, इसकी विथ भी कम कर लेंगे, हमें वीक नम के लिए ज़्यादा नहीं, हमें नेम के लिए सबसे ज़्यादा जगह चाहिए, अभी चाहे तो इसको भी थोड़ा और कम कर सकते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट करके और नज़दीक कर लेते हैं ताकि इसको पूरा जगह मिल जाए। और फाइनली इतने के बाद हम थोड़ा और कम करने की कोशिश करते हैं, नाम नहीं कटना चाहिए, थोड़ा बहुत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आपके पास जो स्लाइसर थे उसको आपने अच्छे से अरेंज कर दिया, अच्छा स्लाइसर्स की हाइट भी जैसे विथ हम अरेंज कर सकते हैं वैसे हम इसकी हाइट भी अरेंज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब आती है पाइवट टेबल के अंदर ही, हमने पाइवट टेबल एनालाइज में ही एक बताया था टाइमलाइन, ये टाइमलाइन स्पेशली डेट के लिए होता है, ये डेट वाला लेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। इसको देखो हाइट जो है इसकी ज़्यादा है, थोड़ी हाइट कम करके देखते हैं,
थोड़ी और कम करें, अगर ज़्यादा कम करोगे तो दिखेगा ही नहीं कि क्या है, तो हम थोड़ा और छोटा करते हैं। क्या चीज़ छोटा किया? जूम, जूम को हमने कम कर दिया और हम देखते हैं कि ये जो हमने हाइट फिक्स की थी इतने में काम नहीं चलेगा, हमने हाइट थोड़ा सा और बढ़ा दिया और हाइट के हिसाब से ही हम ये टाइमलाइन को इसकी हाइट बढ़ा के देखते हैं इतना। देखा आपने, इसको क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ से पकड़ो, थोड़ा सा खींच के यहाँ तक पहुँचा दो और इधर इसको पहुँचा दो जहाँ तक हमने आउटलाइन बना रखी है वहाँ पर, ठीक है। और ये देखो यहाँ स्क्रॉल बार इसमें भी है, ये स्क्रॉल बार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं, अगर ये मैरोली तक होता स्क्रीन तो वहाँ तक भी आपको दिख जाता है, क्योंकि डेटा हमारे पास जितना बड़ा होगा वो इतना बड़ा स्लाइसर काम करेगा। मोटा मोटी हमारा जो है डैशबोर्ड रेडी हो गया। देखो हमारे पास में इतना जगह है, हम जगह का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा के इसको भी, इतना छोटा क्यों रखेंगे, इतना बड़ा कर, अभी भी हमारे पास जगह है ना। स्लाइसर को क्या करना है, अब करते ना, पहले फंक्शनैलिटी पहले ऑन करेंगे। इतना तक समझ में आए? अब जैसे किसी ने आपको बोला कि ब्रजेश की सेल्स दिखाओ, तो यहाँ देखिए मैंने ब्रजेश पे क्लिक किया, यानी पर्सन वाइज सेल्स दिखाना शुरू कर दिया कि ब्रजेश ने जयपुर, नोएडा और चेन्नई में सेल करा है तकरीबन 3,62,000 रुपीज। सेम हमने बोला रिया का कराओ, हमने बोला खुशी का करवाओ, हिमांशी, नेहा, इस तरीके से एक एक रिपोर्ट्स आप पर्सन वाइज देख सकते हैं। हाँ, फिर आती है वीक वाइज की, हमारी पहली वीक की क्या सेल्स थी। पहली वीक की सेल्स हमारी 1,31,000, सेकेंड वीक में हमारी सेल्स और कम हो गया, थर्ड वीक में, सेकेंड वीक में ज़्यादा था, हाँ 8,00,000 प्लस का सेल, थर्ड वीक में जाएंगे तो 1,23,000 है, फिर 1,18,000 है। आप देख रहे हो, वीकली रिपोर्ट देख सकते हो, यहाँ से फिल्टर पर क्लिक कर देंगे तो अब आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, कि पूरा का पूरा दिखाने लगा। हमने पर्सन वाइज देख लिया, हमने वीक वाइज देख लिया, नाउ कम टू प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट पे क्लिक करा, प्रोडक्ट वाइज आप देख सकते हो कि वीवो की सेल जो है 7,00,000 के आसपास की है, वहीं LG की बात करें ये भी 7,87,000 है, सैमसंग की बात करें तो 23,00,000 की सेल, वन प्लस की बात करें तो 6,00,000 की सेल है, ओप्पो की बात करें, यानी कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट अगर आइटम या प्रोडक्ट सीधा नहीं दिख रहा है, अभी भी आपके पास जगह है, आप चाहें तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करने के बाद इसको भी सेट करना होगा ताकि सबको ये चीज़ें प्रॉपरली दिख जाए। ये एरिया जो छोटा पड़ गया इसको भी राइट क्लिक करेंगे, पॉइंट खुलेगा, इस पॉइंट को बढ़ा के आप अपने डैशबोर्ड के बराबर रख लीजिए। अब आखिरी काम करना होगा हमें, हेडिंग देनी होगी, आते हैं उसके भी आते। अब एक एप्रोप्रिएट हेडिंग का यूज करेंगे, जैसे हमने एप्रोप्रिएट हेडिंग में लिखा सेल्स एनालिसिस फॉर द, सेल्स एनालिसिस फॉर द, सेल्स एनालिसिस फॉर फर्स्ट 6 years sales analysis for first 6 years on different base। कुछ भी हेडिंग दे दिया, एक appropriate हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग बहुत वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करिए। डैशबोर्ड का मतलब होता है हेडिंग अच्छा होना चाहिए। हेडिंग दे दिया तो हमने स्लाइसर का यूज देख लिया, हमने पाइवट चार्ट कर लिया, हमने हेडिंग बना दी। अब आता है डेट वाइज कुछ देख लिया, ये था वीक नंबर वाइज।
अगर मैं 2016 का जनवरी का सेल देखना चाहूँ तो 2016 के जनवरी पे क्लिक करेंगे, सिर्फ ये 2016 का जनवरी का सेल। 2015 का फरवरी का सेल देखना है तो फरवरी का सेल हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि 3-4 महीने का लगाता हूँ तो यहाँ पे बस सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करेंगे ऐसे। अभी हमने फरवरी टू सितंबर तक की सेल 2015 की देखी। अगर 2016 की फर्स्ट क्वार्टर की सेल देखनी है, फर्स्ट क्वार्टर में क्या क्या आएगा? जनवरी टू फर्स्ट क्वार्टर में क्या क्या आएगा? एलेना ये भी नहीं पता, थ्री मंथ्स का होता है क्वार्टर। अभी वो वाला बोल देंगे क्वार्टर तो एकदम समझ जाएगा कि हाँ इतना में इतना होता है। नहीं, वो तो सबको समझ में आता है, ये वाले में कंफ्यूज होते हैं। 3 महीने को क्वार्टर बोलते हैं, 5 को नहीं बोलते या 4 को नहीं बोलते। हमने बोला फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2016, सो यू हैव टू सेलेक्ट जस्ट जैन टू मार्च। तो ये 3 महीने का क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनके हमारे सामने तैयार हो गए। सो फाइनली ये ओवरऑल जो कुछ भी बना है ये कोई साधारण नहीं है, वो असाधारण चीज़ है। आप अगर कंपनी में काम करोगे तो आप पाइवट टेबल डैशबोर्ड यूज करके बहुत बड़े बड़े रिपोर्ट्स बना सकते हैं। पर्सन वाइज सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिपोर्ट, सिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट, डेट वाइज सेल्स रिपोर्ट, मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट, ये सब कुछ तो दे रहा है आपको, क्या नहीं है इस डैशबोर्ड में। इसीलिए आपको ध्यान से इस पर काम करना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं पाइवट डैशबोर्ड, क्योंकि इसमें स्पेशली हमने पाइवट टेबल का यूज किया है। अच्छा, पूरे जितने भी डैशबोर्ड आप पढ़ेंगे उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डैशबोर्ड है, क्योंकि ऑफिस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब हम एक और डैशबोर्ड के बारे में देखेंगे, वो डैशबोर्ड कैसा होता है। चलो इतनी गहरी सांसें लेके सर को आगे तो बोलो सर, क्या क्या 20 मिनट का क्या कर रहे थे? 20 मिनट था बिस्किट खाने के लिए। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सेकेंड डैशबोर्ड पे, जिसके लिए एक्चुअली इतना पार्ट तो हमने पहले भी बता रखा है जब हमने पाइवट टेबल पढ़ाया था, बट जो अब हम लोग बात करेंगे वो असल में हमारा डैशबोर्ड जो होगा देखिए आपके पास में एक छोटा सा डेटा है जिसमें बंदे का नाम है, उनकी एम्प्लॉय आईडी है, उनकी फोटोग्राफ्स भी है, और प्लस 4 इयर्स का परफॉर्मेंस है, 19 का, 20 का, 21, 22 का। अगर हम चाहें तो इस रिपोर्ट को भी बॉस के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशंस है। बट सोचो कि अगर 2000 बच्चों का डेटा रहेगा तो कंपेयर कभी नहीं कर पाएंगे ठीक से आप। इस डेटा को हम कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं उसी चीज को हम लोग देखेंगे डैशबोर्ड के जरिए। तो पहला आपने डैशबोर्ड बना लिया, अब हम जो डैशबोर्ड बनाने वाले हैं इस डैशबोर्ड का नाम है डैशबोर्ड 1।
एक डैशबोर्ड हमारी अभी कंप्लीट हो गई जिसको हम पाइवट डैशबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, पाइवट डैशबोर्ड हम लोग देख चुके हैं जिसके लिए हमने डेटा टू का यूज किया था। तो यहाँ पे पाइवट डेटा लिख देते हैं, इस पाइवट डेटा पे ही हमारा पाइवट डैशबोर्ड बना। अब जो है ये हमारा डेटा वन है जिससे हम डैशबोर्ड वन बनाने जा रहे हैं। डैशबोर्ड बनाने के लिए जो सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है कि चूंकि डैशबोर्ड जब आप बनाते हो तो नॉर्मली किसी चीज को प्रेजेंट करते हो, और जो एक्सेल हमारा खुलता है वो 100% पे जब खुलता है, ये नॉर्मल 100% पे इसकी सेल्स इतनी छोटी होती है कि यहाँ पे किसका नाम लिखा है बताना मुश्किल हो जाएगा यहाँ। इसीलिए बोलते हैं कि इसकी जो जूमिंग है आपको कम से कम 150 से 200 के बीच में रखना चाहिए, कोई कुछ भी रखो बट 150 से 200 के बीच में रख सकते हो इतना, ताकि ये विजिबिलिटी हमें पता चले। कोई डाउट? अब आती है बारी कि सबसे पहले जैसे पिछले डैशबोर्ड में आपने देखा कि हमें एक हेडिंग की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सबसे पहले आप एक जगह फिक्स कर लो कि इतने दूर में हमें हेडिंग लेना है। इसके लिए हाइट विथ सेट कर लो, कलर डालना है कलर डाल लो। इसके बाद आप फिक्स करो कि आपको नीचे कितने रेंज में बनाना। ये आउटलाइन इसलिए बनाते हैं कि कोई भी डैशबोर्ड सिस्टमैटिक तरीके से हो, थोड़ा दिखे कि हमारे नीचे कहाँ तक जा रहा है, राइट कहाँ तक जा रहा है। बात समझ में आई? ऐसे तो डैशबोर्ड में अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया पीछे से तो फिर शायद ही कोई जवाब दे पाएंगे आप, जबकि सारा चीज पढ़ा हुआ है। लेकिन थोड़ा टाइम भी बचाना है आप लोगों का, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर ज्यादा नहीं करूंगा, क्विकली जल्दी से क्वेश्चन करूंगा, जल्दी से जवाब दे देना। ये जो डेटा है, ये जो हमारी हेडिंग है, सेम टू सेम हेडिंग मेरे को यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। ये सेम टू सेम हेडिंग कैसे आएगा? फॉर्मेट पेंटर से सेम टू सेम हेडिंग कहाँ से आ जाएगा? कॉपी पेस्ट से आएगा। फॉर्मेट पेंटर से तो कलर आएगा सिर्फ, है ना? भी कैसे कर सकते? मतलब पहला आंसर गलत है तो भी कैसे करें? भी कहने का मतलब है कि पहला सही है, हाँ वो गलत है, जो आपने बोला वो है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। तो सबसे पहले पहला मेथड यही है, कॉपी पेस्ट मेथड। क्या चीज? कौन सा? ये आपका वाला है क्या? नहीं, ये तो मेरा डाउन हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि कल के डेट में मेरे डेटा में कोई जाएगा और सपोज यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी था और उसी तरह से यहाँ पे चेंज कर दिया एम्प्लॉय नेम, यानी हमने अपने मास्टर डेटा में चेंज कर, यहाँ पे लिखा हुआ था पिक्चर, हमने यहाँ पे हटा के इसका नाम रख दिया इमेज। ठीक है, मैंने कुछ चेंजेस करे, तो क्या आपके जहाँ पे डैशबोर्ड बना रहे वहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहा है आपको? नहीं। अब आप ये सोचो कि कॉपी पेस्ट मेथड तो ठीक है लेकिन ये एक डायनेमिक ऑप्शन नहीं है। डायनेमिक ऑप्शन ये होता है कि वहाँ चेंज तो यहाँ भी चेंज। अब बताइए सौरभ आगे या कुणाल, क्या आपके पास ऑप्शन है ताकि डायनेमिकली चेंज हो जाए? नेम मैनेजर के थ्रू? कैसे? नेम मैनेजर का कोई लेना देना नहीं। डायनेमिक रेंज सिलेक्शन कैसे होगा? जो अपने पाइवट टेबल में किया था पहले, अगर तुम न्यू पाइवट को सेलेक्ट करके फिर उसको टेबल में कन्वर्ट करके इंसर्ट ऐप से अच्छा, तो यहाँ वो कंडीशन नहीं लगेगा ना। यहाँ पे पाइवट क्यों बनाओगे, डायनेमिक रेंज क्यों सेलेक्ट करोगे? मैंने तो बोला कि मैं अपने डेटा में चेंज करूँ और यहाँ चेंज हो जाए। देखिए मैंने
सौरभ आपके दिमाग में कुछ आया? बढ़िया। सबसे आसान तरीका होता है सेल रेफरेंस पढ़ाया था वी लुकअप में। सेल रेफरेंस में रिलेटिव सेल रेफरेंस ये है कि वहां कोई भी चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा क्योंकि कनेक्टेड सेल है। याद आया? कनेक्टेड सेल है ना। कल के डेट में डेटा में जाके आपने एम्प्लॉय आईडी को फिर से नेम कर दिया तो नेम जैसे करोगे डैशबोर्ड में नेम हो गया। यहाँ जाके चेंज कर दो इसका नाम, नाम लिख दो नाम हिंदी में तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं, सेल रेफरेंस नाम का चीज यूज होना था बट किसी के दिमाग में नहीं आया। देखो यही होता है पढ़ना और पढ़ देना। आप लोग पढ़ दिए हो, पढ़े थोड़ी ना हो, ऐसे में जॉब थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है, एक चीज तो हमारा डायनेमिक हो गया कि हेडिंग में कोई भी चेंजेज आएंगे तो भी अपडेट हो जाएगा, नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बारी है? फिर में क्या है तो जस्ट सिंपल इक्वल टू लगाया है। इक्वल टू लगा के इस डेटा का यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दिया। इसमें तो कुछ और फिर वाला तो है नहीं। ठीक है, अब आती है बारी। मेरा क्वेश्चन और है एक, अगर मैं वन लिखूं, ध्यान देंगे फिर से सारे लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। वन लिखूं तो पहली एम्प्लॉय आईडी आ जाए, टू लिखूं तो दूसरी एम्प्लॉय आईडी आ जाए, थ्री लिखूं तो तीसरी एम्प्लॉय आईडी आ जाए, क्या करेंगे सौरभ? अंशिका क्या कर सकते हैं? एलिना, कुणाल, इंडेक्स लगा। वेरी गुड, इंडेक्स का यूज करेंगे। इक्वल्स टू इंडेक्स लगाएंगे, एरे मांगेगा। हमारा एरे यानी कि डेटा कहाँ है? इधर है। फ्रीज कर देंगे, जो सब रूल पड़े हो छोड़ेंगे नहीं। फिर डाल देंगे रो नंबर वन और कॉलम नंबर भी वन ही डालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये जो रो नंबर है बीच वाला वन करोगे तो वन हो जाएगा, थ्री करोगे तो थ्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बार बार क्यों चेंज करूँगा, तो मैं इस थ्री को डिलीट करके इससे कनेक्ट कर दूँगा। इसका मतलब है कि मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं वन डालूँ तो वन आ जाए, फाइव डालूँ तो फाइव आ जाए, सिक्स डालूँ तो सिक्स आ जाए। क्या था? सिंपली इंडेक्स। तो कितना पढ़ते हो तो पता चल ही जाएगा। जॉब नहीं लगेगा तो बोलना सर अभी तक जॉब नहीं लगा। नहीं सर, आप डराते हो। नहीं नहीं डराते नहीं, आईना दिखाते, यही सच्चाई है। जिस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से जॉब मिलने लगे तो सारे एमबीए कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, सारे बीटेक कॉलेज बंद हो जाएंगे, सारे बीबीए कॉलेज बंद हो जाएगा। जो लाखों रुपए लेता है और आपको 20,000 के लायक नहीं बनाता है, वो भी 3 साल की डिग्री के बाद, और यहाँ पे आप एक्सेल सीख के सोचते हो कि सर 50-60 हज़ार की तो नौकरी लग जाएगी, मुंह पे क्या देगा नहीं बोलूँगा। नहीं, एक एक्सेल जो 7-8-10 हज़ार रुपये के अंदर अंदर में करके लोग 15-20 हज़ार के लायक बन जाता है तो मेहनत भी तो चाहिए, लेकिन मेहनत कोई नहीं करेगा। लेकिन जॉब तो 25-30 हज़ार से तो कम होना ही नहीं चाहिए। अगर पैकेज में बात हो सर 8-10 लाख रुपए का पैकेज तब तो बहुत अच्छा। नहीं तो यही प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ तक मामला, वो खाली सोच पॉजिटिव होने से थोड़ी ना होगा, काम भी तो करना होगा पॉजिटिव वाला। अब आइए एक और सवाल है कि मैं अगर वन करता हूँ तो पहला डेटा आ जाता है, टू करता हूँ तो दूसरा डेटा आ जाता है, तीन करता हूँ तो तीसरा आ जाता है, चार करता हूँ चौथा। अब बहुत हल्का सवाल है, इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे एलिना, इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे ये सारा डेटा मेरे को चाहिए, इमेज को छोड़ के, इमेज को छोड़ के सारा डेटा चाहिए। यहाँ इमेज के जगह पे एवरेज में लिख देते, यहाँ तक का डेटा मेरे को चाहिए। सर, मैच, इंडेक्स मैच। कैसे? सही बताना, इक्वल्स टू इंडेक्स
कहाँ नेम मतलब क्या है सर? बस इतना बताया इंडेक्स मैच पर कैसे लगेगा? क्यों पढ़ाया नहीं है? हद बात है, अब तो ऐसे बात करते हो जैसे हमने चैप्टर करवाया ही नहीं है। कितना पता है कि इंडेक्स मैच लगेगा बट कैसे पता नहीं है। हमें पता है कि भाई ऐसे पैसे दिए जाते हैं लेकिन कब देना ये नहीं पता। नहीं अंजलि आएगा मेरा नंबर आएगा कभी कि नहीं आएगा? पैसे उसे आएंगे? ये तो वही वाली बात हो गई कि सर दे देंगे लेकिन कब देंगे पता नहीं, कोर्स खत्म होने वाला है। सौरभ बताए इसका आंसर। वंशिका आप बताइए। सब पैर भी क्या लगाता है क्लास के बाद कि सर जॉब थोड़ा देख लीजिएगा। जॉब हमारे ससुर जी की कंपनी थोड़ी कि रख लेंगे आपको जाके कि हाँ ये मेरे बहुत करीबी। भाई जॉब में इंटरव्यू देना पड़ता है, जॉब में आपको बताना पड़ता है। बताओ कि इतना छोटा सवाल का जवाब नहीं बता पा रहे हो। एक मिनट वेट कीजिएगा। वंशिका आप बता रहे हो इसका आंसर। इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मेरे को नेम और चारों साल का इनका परफॉर्मेंस चाहिए, कैसे लाएंगे? वंशिका जी बताइए। नॉर्मल वी लुकअप लग जाएगा तो नॉर्मल ही लगा दीजिए। इक्वल्स टू वी लुकअप लिख लेते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय आई डी सेलेक्ट कर लेंगे। इसको फ्रिज व्रिज भी करना है या सब सिर्फ वी लुकअप तक ही था? किसको? थ्री को फ्रीज कर देंगे। कल मुझे नहीं आ रहा। कुणाल आप इंडेक्स लगाओगे, वी लुकअप क्यों नहीं लगाओगे? अच्छा इसलिए इजी पड़ता है इसलिए। किसी को इजी पड़ता है, किसी के पहाड़ टूट पड़ा कुछ नहीं। हाँ जो करवाना है करवा लो, मैंने मना कहाँ किया है कि ये करना पड़ेगा। हैं डेटा इधर है, डेटा वो, मतलब 15 मिनट में पूरा बिस्किट का पैकेट खा गए, आपको डेटा ही नहीं पता है कहाँ? क्यों देना पड़ेगा? हर बार जरूरी थोड़ी, अब तो एक्सपर्ट बन जाओ, अब तो नेम मैनेजर छोड़ो। तो दूसरी सीट से नहीं लगता है डायरेक्ट वी लुकअप। रिया आप बताइए। बी थ्री को फ्रीज कर दो पूरा। ओके उसके बाद डेटा वन में जाके पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक इसको भी फ्रीज कर दे। हाँ उसके बाद कॉलम ऑफ बी टू देन कॉमा जीरो, बस ना। इसमें कौन सी बात हमने पूछ दिया जो आप लोग एकदम एक दूसरे का चेहरा देख रहे हो? सिंपल वी लुकअप कॉलम से भी बनेगा, वी लुकअप मैच से भी बनेगा, इंडेक्स विद डबल मैच से भी बनेगा, वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम से भी बनेगा। मतलब एक नहीं मतलब 20 तरीके का वी लुकअप पढ़ाने के बाद यह अब बोलते हो कि जॉब चाहिए। ठीक अभी बताया कहाँ बताओ फिर डिलीट करते हैं इसको। इसका जो परफॉर्मेंस है उसका एवरेज कैसे निकलेगा अंजलि? वेलू कब लगा दो। सौरभ इन सारे परफॉर्मेंस का एवरेज कैसे निकलेगा? वी लुकअप लगा के कि इंडेक्स लगा के कि मैच लगा के? सौरभ एकदम लग रहा है जैसे नेटवर्क तो साफ गायब हो गया। सौरभ मतलब दुर्गा पूजा का मतलब ये थोड़ी ना था कि वी लुकअप को भूल जाओ।
वंशिका एवरेज लगेगा, इसमें भी लुकअप और इंडेक्स क्यों लगेगा? सर मैंने ये सोचा आप सारा पूछ सारा ही तो पूछ रहा हूँ कि सारे चारों साल का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज लगाओ ना, वी लुक क्यों लगाओगे? मैं समझी नहीं आप। ये सबसे बढ़िया तो ये चार लोगों को सेलेक्ट करके और सम कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद एवरेज सम करने से एवरेज क्यों आ जाएगा चारों को सम करके? ऑप्शन आता है एवरेज, मतलब ये एवरेज इतना टफ लगता है आपको लगाने में कि चारों को सेलेक्ट करोगे? भाई ऑप्टिमाइज वे तो हमने नहीं पढ़ा है भाई सर लेकिन आपने पढ़ लिया तो आप लगा दे रहे हैं। एवरेज एवरेज फंक्शन इससे छोटा और ऑप्टिमाइज तरीका और क्या हो सकता है? आप सबका सम करोगे, डिवाइडेड बाय 4 करोगे, इतना ही। सर ये सेलेक्ट करो आप। हां ये सर ठीक है। हां ये हटा दो 73 नहीं, क्यों हटा देंगे बताइए? सेलेक्ट कर लिया फिर ये इज इक्वल टू, वो भी हटा दो। अच्छा एवरेज ही तो लगाओगे ना, तो सर तरीका तो है ना सर ये तरीका है एवरेज यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं, पता चलेगा इंटरव्यू में चलो आगे। इसके बाद अब हमें क्या हुआ कि अगर मैं वन करता हूं तो वन के हिसाब से पहली आईडी और उसके हिसाब से उसके कोरेस्पोंडेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन थे, बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया, प्लस उसका एवरेज भी निकल गया। अब जो पार्ट मैं बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग को थोड़ा गौर से देखो, ध्यान से। इस हेडिंग के अंदर अंजलि क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? क्या सही है? मस्त है, मस्त है। आप बताओ एलिना क्या दिक्कत है इसमें, इसके हेडिंग में क्या प्रॉब्लम है? क्या लगा सकते हैं? सर हम उसको जैसे हमने कैलेंडर में संत बनाए थे वैसे बना सकते हैं सर। तो बताओ ना क्या करना है, हमने पूछा दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत नहीं लग रही, मतलब ओवर साइज की है। अच्छा ओवर साइज लग रहा है, ये बात है, थोड़ा कम कर देते हैं। और बताओ साइज भी ठीक कर दिया नेम जो है वो क्या है, फॉर है कि नेम भी हो सकता है? एग्जैक्टली, अगर मैं यहां से 1 को 2 करता हूं तो नाम सलमान हो जाएगा लेकिन हेडिंग किसका चलता रहेगा? ब्रजेश का। तो मैं यही अब चाहता हूं, मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ करो ताकि यहां से अगर नाम बदले तो वही नाम यहां पे शो करना चाहिए डायनेमिकली। आप बताइए कि क्या करेंगे? फुल करेंगे रिया, क्या करेंगे? इंडेक्स तो गेट आइडिया कोड करवा लो आइडिया में, हैं? एम्प्लॉय आईडी का ड्रॉप डाउन इसको जब बनाते हैं ये तो बेटा यहाँ पे आप बनाओगे ना, यहाँ पे क्या होगा, इसका कुछ कनेक्शन देना होगा ना, कैटरीना का कनेक्शन ब्रजेश के साथ यहाँ बनाना पड़ेगा ना, नहीं? मैंने सारे चीज बना लो, वी लुकअप लगा लो, इंडेक्स लगा लो, मैच कुछ ना कुछ तो लगेगा ही लगेगा, सिंपल लगेगा। कॉन्केटिनेट पढ़े हो? कॉन्केटिनेट इसमें क्या करेंगे,
इक्वल्स टू लगा के देखो, ये वाला पार्ट हमारा फिक्स है, यहाँ तक एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट को एंड यानी कॉन्केटनेट लगा के इससे जोड़ देंगे कैटरीना से, हो गया। अगर मैं वन करता हूँ तो ब्रजेश का दिखाएगा, थ्री करता हूँ तो कैटरीना का दिखाएगा, और सिक्स करता हूँ तो मोदी जी का दिखाएगा। अब समस्या ये है ना कि पूरा कंप्लीट जो है वो कैपिटल में है, ये स्मॉल में आ रहा था, अब क्या करें, कहाँ पेपर लगेगा, जहाँ पे एंड के बाद जो मोदी है, हाँ जो सी थ्री की वैल्यू है इसको आपको इसके पहले लगा दोगे अपर, ताकि सी थ्री की वैल्यू को जब पिक करेगा तो उसको कन्वर्ट करके देगा आपको कैपिटल में, ताकि आपका हेडिंग सेम टू सेम फॉर्मेट में मैच कर पाए। असल में देखो इतना काम आपको डैशबोर्ड में सबसे पहले आना चाहिए, जिसके लिए हमें कॉन्केटनेट आना चाहिए था, जिसके लिए हमें इंडेक्स आना चाहिए था, जिसके लिए हमें सेल रेफरेंस आना चाहिए था, जिसके लिए हमें वी लुकअप के इतने तरीके पढ़ाए वो में से कोई एक आना चाहिए था, इसके अलावा एवरेज फंक्शन आना चाहिए। एवरेज में राउंड इसलिए लगाया ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे दशमलव में कुछ दिखाए, तो इतनी सारी कहानी सिर्फ इसलिए किया कि इतना डेटा हमारा डायनेमिक हो गया। अगर मैं वन करता हूँ तो वन के हिसाब से आ जाएगा, टू करूँगा तो दूसरे के हिसाब से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा है, ये जो डेटा है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट करके आपने चार्ट पढ़ा होगा, इसमें से कोई भी दो तीन चार्ट आप बना लो, ठीक है, लो या बहुत सारे बना लो। मैं तो बोलूँगा शुरुआती दौर में आप कम से कम तीन चार्ट आप जरूर बनाओ, ठीक है। फिर से सेलेक्ट कर रहे, देखो एवरेज छोड़ दिया क्योंकि ये बाद का निकाला हुआ पार्ट है, एम्प्लॉय आईडी छोड़ दिया, मैंने सिर्फ नाम से लेके इतना लिया। इंसर्ट में गए और एक लाइन चार्ट ले लेते हैं और यहाँ से कोई फॉर्मेटिंग ले लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं, इसको भी छोटा करके उसी साइज में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक तीसरा भी बना लेते हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, सो दैट इज पाई चार्ट, ये भी हम लोग ले लेते हैं कोई एक डिज़ाइन यहाँ से और छोटा करके इसको भी हम लोग। अब तो पता नहीं कितनी कंपनी से रिटायर होके आए जो आपको पता है कि कंपनी में नहीं पूछता। किसने बोल दिया कि नहीं पूछता है, आप भी बोल दिया। मैं कब बोल दिया कि कंपनी में नहीं पूछता ये है ना। अब देखो कि यहाँ से मैंने तीन अलग अलग चार्ट लिए जिससे कि मैं इसको थोड़े अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ, बट एक प्रॉब्लम है इसकी हेडिंग में इतने सारे सलमान खान हैं, एक तो अपना हेडिंग है ही यहाँ पे भी है, फिर इतने आगे, इसको अगर हटाते हैं हम लोग तो हमारा प्रेजेंटेशन के लिए एरिया ये ज़्यादा मिलेगा, तो जितनी भी ये हेडिंग है ये सब आपको क्या कर लेना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो ये जो पार्ट अब कर रहे हैं ये किस चीज़ का पार्ट है, ये तो टॉपिक नहीं पढ़े हो कि पढ़े हो, चार्ट पढ़े हैं ना, तो चार्ट भी तो हमारा पढ़ा हुआ, तो अभी तक कोई नया चीज़ हम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, सब पढ़ा हुआ है, सबको हम असेंबल्ड कर रहे हैं, सबको असेंबल करके ही डैशबोर्ड बनता है। डैशबोर्ड का मतलब होता है कि हाउ यू कैन प्रेजेंट योर डेटा, तो उसके लिए आप जितने भी लॉजिक हो सकता है वो सारे लॉजिक्स आपको लगाने होते हैं और प्रेजेंटेबल बनाना होता है डेटा को। एक प्रॉब्लम और भी है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान देना इस जगह पे, अभी जीरो से कितना है ये 70, मैं करता हूँ वन, अब कितना हो गया, यानी कि किसी को पैरामीटर जो दोगे वो फिक्स पैरामीटर दोगे या कि बदल बदल के, मान लो कि एग्जाम लिए हो तो पैरामीटर फिक्स होता है, टोटल मार्क्स फिक्स होता है कि सबके लिए अलग अलग होता है, फिक्स होता है ना, तो आप सोचो ब्रजेश के लिए तो 100 पैरामीटर डाल रखे हो ने, और सलमान के लिए 70 डाल रखे हो, और कैटरीना के लिए फिर 100 डाल रखे हो हैं, यहाँ पे देखिए फिर 120 हो गया, ऐसे तो नहीं होने चाहिए ना, सो पैरामीटर शुड बी फिक्स। तो इस चीज़ को फिक्स कैसे करते, ये चीज़ें हमने बताया था एक्सिस फॉर्मेटिंग में, राइट क्लिक कीजिएगा एक्सिस के ऊपर तो फॉर्मेट एक्सिस होगा, यहाँ पे देखो होता है मिनिमम, ये तो जीरो ही रहेगा, मैक्सिमम जो है
वो हो जाएगा 100। तो सबके लिए ये फिक्स हो गया, चाहे आप बिल गेट्स की बात करो, चाहे आप कैटरीना की बात करो, या फिर सलमान की बात करो। बात समझ भाई? यानी कि चार्ट में भी हमें दो काम करने थे, सबके टाइटल हटाने से यहाँ पे ये चीज है, विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी आएगी। अच्छा देखो, इसमें डेटा शो कर रहा है कि किस मंथ या किस ईयर में क्या परफॉर्मेंस था। यहाँ पे भी डेटा शो करवाना, यहाँ पे भी डेटा शो करवाना, तो कैसे करवाएंगे एलिना? इस पे भी डेटा शो करवाना, इस पे भी डेटा शो करवाना, सब बोलिए। एड डेटा लेवल, जिससे कि हमें वैल्यूज जो होती है वो दिखने लगता है। एड डेटा लेवल करके वैल्यूज वगैरह को आप शो करवा सकते हो, जिससे कि विजिबिलिटी और क्लैरिटी और भी ज्यादा आ जाती है। समझ में आया एलिना? इतना से काम नहीं चलेगा जिस तरीके से आप साइलेंट मोड पे चले जाते हो क्वेश्चन पूछने के साथ। पाइवट टेबल का है ही नहीं, ये चार्ट का है। तभी पढ़ा था, तब मैंने क्लास ज्वाइन की थी ना, तभी पढ़ा था मैंने, उसके बाद से दोबारा कभी पढ़ा। और इंडेक्स कितना साल हो गया पढ़ा हुआ? अभी पढ़ा था। तो मतलब ये बहाने जो मार रहे हो कहीं से लग रहा है जायज बहाना है? आप इंडेक्स वाला तो परसों पढ़ा तो वो भूल गए, और चार्ट 15 दिन पहले पढ़ा तो भूल गए। नहीं, आप तो ऑटो वाले की तरह बात करते हो, ऑटो वाले से बात करोगे तो बोलेगा अभी तो सर शाम है इसीलिए थोड़ा पैसा ज्यादा ले रहे हैं। रात में जाओगे तो बोलेगा नाइट हो गया सर, सुबह में बोलेगा तो बोलेगा सुबह सुबह बहुत नहीं करना है सर। तो कभी तो भाई जायज तरीके से पैसे ले लो, उसी तरीके से कभी तो आप अपने मन से पढ़ लोगे, अपने तरीके से ईमानदारी से। हर बार बहाना इंडेक्स मैच के ऊपर हम लोगों ने 5 क्लास रखा था बिलुकअप से इंडेक्स, और वो भी 2 दिन पहले, तब तो आप बोल रहे हो कि नहीं होगा। तो चार्ट अगर 15 दिन पहले पढ़े हो तो ऑब्वियसली चार्ट गए होंगे अभी पूरा एक्सेल को अभी तक नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है, कंपटीशन में आने की जरूरत है, सिर्फ बात बनाने से नहीं काम चलेगा ये चीज़ें। जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना जल्दी आपको पता चलेगा। आप ही के बैच में से किसी को 15,000, 18,000, 20,000 की नौकरी लग जाएगी, या कुछ लोग सिर्फ हाय हाय खेलते रहोगे, गुड मॉर्निंग सर कोई जॉब हो तो बताना, गुड मॉर्निंग सर जॉब हो तो बताना, वो ऐसे ही होते हैं। अभी इंडेक्स आप नहीं बता रहे हो तो हम जॉब कहाँ से बताएंगे? ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो पढ़ाई ही एक आखिरी रास्ता है, और बहुत तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं 15 दिन पहले वाली चीज भूल गए, जब 2 दिन पहले वाला याद नहीं तो 15 दिन वाला तो साफ हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी मान लेते हैं। इसके बाद आइए, इसको और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर सकते हो, वो तो उस समय भी बताया था, और भी फिर से देख लो कि देखो फॉर्मेट के अंदर जब हमने चार्ट पढ़ाया था तो काफ़ी अच्छी फॉर्मेटिंग होती है शेप इफेक्ट से। यहाँ से कुछ इफेक्ट्स आप देख सकते हो कि कुछ इफेक्ट्स आप लगा दोगे तो काफ़ी प्रेजेंटेबल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत कर लेने से हमें कुछ जाता नहीं है, और भी डेटा प्रेजेंटेबल हो जाता है, ये सब चीज़ें करना चाहिए। ये देखो ये वाला इसको सपोर्ट नहीं किया है फॉर्मेट, तो कंट्रोल जेड करके कोई और दूसरा चेक करेंगे जो इसमें से कोई सपोर्ट कर दे। ये भी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। अरे डोनेट नहीं, सेफ इफेक्ट, ये हम लोग जो चार्ट के ऊपर इफेक्ट लगाते हैं उसके बारे में बात करें। ये रहा, ये सब में से कोई यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा ये और प्रेजेंटेबल दिखता है इसलिए ये सब कुछ लगाया है। यहाँ तक जो अभी तक डैशबोर्ड का हिस्सा बना है ना, यहाँ तक जो हमें बना है ना, इसके लिए कोई नए चैप्टर की जरूरत नहीं थी, ये सारे प्रीवियस चैप्टर की जरूरत थी। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं 1 करता हूँ तो देखो ब्रेस का रिपोर्ट बन के तैयार हो गया, 2 करता हूँ, अब ये क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास कितना बड़ा डेटा है, ये डेटा 10 है या 10 लाख है, क्या फर्क पड़ता है? इसी कॉन्सेप्ट पे आपका रोल नंबर के बेस पे आप अपना जाते हो चेक करने के लिए पास किए कि नहीं रिजल्ट। जब आप गूगल पे रिजल्ट देखने जाते हो तो जैसे रोल नंबर या रोल कोड वगैरह कुछ होता है ना, कीवर्ड्स जिसको डाल के आप अपना पता करते हो, तो वही तो है। 1 करोगे तो ब्रजेश की पूरी कहानी पता चल जाएगा, 2 करोगे
तो इनका पता चल जाएगा, थ्री करोगे तो थ्री। अब जितना भी डेटा है उतना डालते जाओगे यहाँ से, आपको इसमें कोई लिमिट ही नहीं है कि कितना डेटा पे आप काम कर सकते। अब आती है बारी जो अभी तक नहीं पढ़ाया, ये सिर्फ एक पार्ट है जो आपका नया पार्ट है। इसमें क्या होता है, ये जो डेवलपर टैब देख रहे हो ये नॉर्मली आपके पास नहीं होता। डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट जो आप लोग एक्सेल इंस्टॉल करते हो तो डेवलपर नहीं आता, ऐसा रहेगा, व्यू रहेगा लास्ट, यहाँ पे डेवलपर नहीं होता। पहला चैलेंज है हमारा डेवलपर टैब लाना, क्या रहता है डेवलपर टैब लाना। तो कस्टमाइज द रिबन में जाएंगे और यहाँ देखो डेवलपर टैब ऑफ है ना, इसको चेक कर लेंगे तो ये डेवलपर टैब आ जाएगा आगे। ये लाने के बाद आपको जाना है इसके इंसर्ट में, ये पूरा का पूरा वीवीए के लिए बनाया गया है, विजुअल बेसिक। जो लोग वीवीए, जो आप बोल रहे थे अभी कि वीवीए, तो वीवीए लगभग 2-2.5 महीने का कोर्स हो जाता है बाद में, लेकिन आप डेवलपर में जाके इंसर्ट में जाओगे, यहाँ एक बटन होता है, इस बटन का नाम है स्पिन बटन। क्या नाम है, स्पिन बटन। इस स्पिन बटन को इसी शेप में, जितना जगह है उतनी उतने शेप में आप रख सकते हो यहाँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बटन मेरा इस तरीके से काम करे कि मैं बढ़ाऊँ तो बढ़े, घटाए तो घट जाए, ये नंबरिंग। जैसे अभी कोई फर्क नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस बटन के कंट्रोल्स। इसके लिए हमें चाहिए टोटल पता कि हमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल कितना रिकॉर्ड्स है, फिलहाल 10 रिकॉर्ड। ये चीज़ें पता होना होगा या जाके डेटा में देखना पड़ेगा कि 10 है कि 10,000 है कि 10 लाख। इसी पे राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाओगे, देखो मिनिमम वैल्यू में 1 डालेंगे और मैक्सिमम वैल्यू में देखो बाय डिफॉल्ट कितना आ रहा है 30,000, यहाँ पे क्या करना है जितना डेटा में रहेगा। और एक आखिरी चीज़ करना पड़ेगा, दैट इज सेल लिंक। यहाँ पे 3 चीज़ों पे काम करना है, मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम जितना डेटा है, और तीसरा होता है ये जहाँ से हमने पूरी कहानी शुरू करी थी, इसको लिंक करेंगे। अब देखिए कमाल कि मैं यहाँ से कंट्रोल करके बोल सकता हूँ कि 7वां रिकॉर्ड दिखाओ, तुम पहला रिकॉर्ड दिखाओ, तुम 5वां रिकॉर्ड दिखाओ, कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लिक करते जाएंगे तो नेक्स्ट रिपोर्ट दिखाता चला जाएगा, तो ये काफ़ी प्रेजेंटेबल हो जाता है आपके लिए रिपोर्ट्स को बनाते समय। आप देखो एक बटन से पूरा चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हो। इस बटन को एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ कि कैसे यूज करते हैं। कहाँ जाएंगे, डेवलपर में, डेवलपर के अंदर इंसर्ट में, इंसर्ट के अंदर एक है स्पिन बटन, ये स्पिन बटन आपको यहाँ पे सेट करना है, जहाँ पे भी आपको लंबे में चाहिए या चौड़े में चाहिए, ठीक है। ये एक जस्ट एक शेप है, जस्ट आप एक इसको शेप देते हो, तो ये हमने शेप दे दी। पहली बार लंबाई में दिया था, वर्टिकल था, ये ओरिजेंटल से। अभी इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, बटन वाला फील आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो बटन वाला फील आ रहा है, क्लिक करते तो थोड़ा सा वो होता है, हिलता है बटन वाली फील, क्योंकि ये बटन ही है। अब इस बटन को हमें सेट करने के लिए राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 10 होगा, और सेल लिंक ये वाला। अब जो देखो डेटा को प्रेजेंट करेगा, कोई ऐसे डेटा को प्रेजेंट करेगा और कोई ऐसे डेटा को प्रेजेंट करेगा, तो कितना फर्क होगा डेटा प्रेजेंट करने में, हर चीज़ डायनेमिक हो चुका है। तो इसी को बोलते हैं डैशबोर्ड। हालांकि ये सबसे पहला बेसिक डैशबोर्ड था, इसके बाद इसमें पिक्चर डैशबोर्ड लगेगा, जिसमें हम पिक्चर वे लुकअप का यूज़ सीखेंगे, यानी कि कैसे हम इस डेटा में से इस पिक्चर को, जैसे मैं यहाँ से ब्रजेश सेलेक्ट करूँ तो ब्रजेश का पिक्चर आ जाए, ठीक है। तो आगे के बहुत सारे डैशबोर्ड करने के लिए ऐसा डैशबोर्ड आप हमें बना के भेजोगे। अभी तक हमने कोई रिपोर्ट में आपसे ये नहीं बोला कि आप क्या सीखे हो, नहीं सीखो भेजो, लेकिन ये भेजना जरूरी है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास नहीं मिलेगी। क्या नेक्स्ट क्लास नहीं मिलेगी, ऐसा रिपोर्ट चाहिए मेरे, ये बना के भेजना होगा, तभी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, अदरवाइज कोर्स खत्म, सर्टिफिकेट ले सकते हो। मतलब ये है कि बना के भेजना है, खाली मजे नहीं लेना है क्लास में, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इसको बना के भेजना है। हैं,